हेलो बच्चों, आई एम बैक। वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। आज का मेरा टॉपिक मैथ्स का ही है। लास्ट सेशन में हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे, ये उसी का सीरीज टू भी है। लास्ट सेशन में हमने टू डिजिट मेथड पढ़ा था विदाउट मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। तो ये वाला सेशन जो मेरा रहेगा वो मेरा सेशन है थ्री डिजिट के लिए कि विदाउट मल्टीप्लिकेशन थ्री डिजिट को आप कैसे थ्री डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ये पूरे यूट्यूब में आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। लेकिन शुरू करने से पहले जिन भी बच्चों ने मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, नहीं तो आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, थ्री डिजिट का स्क्वायर में मेथड शुरू करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको पहले इसको एक तरीके से बनाना सिखा देती हूँ कि इसको बनाया कैसे जाता है। पहले इसमें इसी मेथड में मैं एक टू डिजिट मेथड लेती हूँ, उसके बाद हम इसको थ्री डिजिट मेथड में करेंगे। तो अगर मैं कोई भी टू डिजिट मेथड लेते हैं तो मैं यहाँ पर 89 ले लेती हूँ। 89 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो अभी ये टू डिजिट के लिए है, उसके बाद यही हम थ्री डिजिट में लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स भी बना लेते हैं लाइक दिस। आप लोग ऐसे स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, ये यहां से हो गया। अब यहां से आप एक डायगोनल खींचेंगे जो आपके कॉर्नर्स को मैच करेंगे, ठीक है। और यहां से एक यहां से यहां और एक यहां से इस पॉइंट की तरफ, क्लियर है। सबसे पहले बॉक्स बनाना देखेंगे कैसे बॉक्स बनेगा। एक स्क्वायर बनेगा, फिर उस पे हम एक बीच में सेंटर लाइन लेंगे और इधर से एक सेंटर लाइन लेंगे और फिर यहां से आप ये पॉइंट टू पॉइंट मिला देंगे, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि जो 89 होता है, अगर हम नॉर्मली 89 का स्क्वायर निकालते हैं तो 89 का स्क्वायर निकालने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो 7921 आता है। अगर आप इसका स्क्वायर निकालते हैं तो 7921 हमारा आंसर होता है, ठीक है। इस मेथड से हम निकालेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा 8 लिखा, ये 8 आपका इसका है और यहाँ पर ये 8 और ये फिर दूसरा 9, 89 हो गया। इसी तरह आपने 8 हॉरिजॉन्टली भी 89 लिखना है, क्लियर है। ये वो नंबर डिजिट्स है जो आपको गिवन है, जिसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर आप क्या करते हैं, पहला जो बॉक्स आता है उसको कौन है, 8, ये वाला 8 और ये वाला 8, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 8 8 64, जब आप लिखते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पर एक बॉक्स में एक ही डिजिट आती है, तो 6 और ये 4, क्लियर है। उसके बाद यहाँ ये जो बॉक्स है वो लाई करता है इधर से, यहाँ पर इसके रो में है 8 और कॉलम में है 9, तो 8 9 72, तो यहाँ पे 7 और 2। आप इसकी बात करते हैं तो इसके रो में है यहाँ पे 9 और यहाँ पर 8, तो 8 9 72, अगेन इट विल बी 72। यहाँ पर अगर बात करते हैं इस बॉक्स की, तो ये यहाँ पर आपका जो रो है वो 9 का है और जो कॉलम है वो भी 9 का है, तो 9 9 81, तो यहाँ पर 8 और ये 1, क्लियर है बेटा आपका। इतना ये सब आपने नंबर लिख लिए है, तो अब हम इससे क्या है स्क्वायर निकालेंगे। ये जो लाइनें हैं आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ। यहाँ से आप जो डायगनल्स आपके आ रहे हैं, जो डायगनल्स वाली लाइन है, आपने उनको क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। दूसरा कलर ले लेंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, आपने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर आप पहला नंबर देखेंगे तो ये जो है ये इधर से जितना पार्ट होता है ये कितना है, 1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये जो पोर्शन है ये वाली लाइन का पोर्शन है इस लाइन के बीच का, तो इस लाइन में तीन डिजिट्स आ रही है हमारी, एक 2 आती है, एक 8 और एक 2, तो हम इसको लिखेंगे 2 + 8 + 2, तो यहाँ पर आपका हो जाता है 2 + 8 = 10 और + 12, तो ये आपका 12 हो जाता है। लेकिन 12 का हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ पर आपका कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया। अब यहाँ पर जो है 7 4 और 7, अगर इस एरिया में देखते हैं तो तीन डिजिट आती है,
दैट इज कॉल्ड 7 4 एंड प्लस 7 तो 7 7 इज 14 14 प्लस 4 इज 18 और आपका एक कैरी फॉरवर्ड चल रहा है तो दैट इज कॉल्ड 19 तो 19 का जो हुआ यहाँ पर हमारा ये मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लस 1 आपने यहाँ लिखा था अब प्लस 1 यहाँ हो गया ये आ गया 19 तो 19 का जो 9 है वो आपका यहाँ आ गया और फिर से क्या हुआ आपका कैरी फॉरवर्ड क्या किया 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पर सिर्फ क्या है 6 है तो 6 और आपका प्लस 1 जो कैरी फॉरवर्ड चल रहा है तो यहाँ पर आ गया 7 अब आप नंबर देखेंगे तो नंबर आपके पास ऑलरेडी क्या आए हैं ये 1 वाला भी मैं यहाँ लिख देती हूँ जो मुझे यहाँ से इस डिजिट के बीच में मिला है तो नंबर हमारे पास क्या आया आप देख सकते हैं 7 9 2 और 1 तो क्लियर है यहाँ से आपको 89 का जो स्क्वायर मिला वो क्या मिला 7 9 2 1 फिर से ध्यान से देखिए कि आपको उसी डायगोनल में जितने नंबर है उनको प्लस करना है और अगर आपका नंबर 10 से ज्यादा आता है तो आगे आपको नंबर जो आपका नंबर है दैट्स नेक्स्ट वन उसको क्या है कैरी फॉरवर्ड कर देना है जस्ट सिंपल प्लस है जैसे आप करते हैं बस आपको डायगोनल्स का ध्यान रखना है कि इस डायगोनल के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सिंपल बताया 89 का लेकिन इससे भी सिंपल मैं अपनी लास्ट क्लास में आपको एक मेथड बता चुकी हूँ वो 2 डिजिट का मेथड था जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए लेकिन अब बात करते हैं 3 डिजिट ये क्लास है 3 डिजिट के लिए तो अब 3 डिजिट के लिए मेथड स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अगर 3 डिजिट की बात करते हैं तो मैं 3 डिजिट में कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ कि आपका एक छोटा सा नंबर लेते हैं कोई भी आप नंबर ले लीजिए 3 डिजिट का जो आपको पसंद हो कि हाँ हमें ये वाला करना है ओके 293 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 293 का स्क्वायर लेते हैं इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर आता है 85849 अगर हम आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 85849 तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वही अपना डायगोनल मेथड लगाएंगे लेकिन इस बार स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि 3 डिजिट है इसलिए हम इसको क्या करेंगे यहाँ से ध्यान से देखेंगे कैसे मैं इसको बना रही हूँ यहाँ पहले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया ठीक है उसमें मैंने 3 रोज बनाई क्योंकि 3 डिजिट का है यहाँ पे 3 डिजिट्स बन गई हैं और यहाँ पर भी मैंने 3 डिजिट दी क्योंकि यहाँ पर भी क्या है आपका 3 डिजिट्स है ऊपर भी ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ 2 पहला मेरा यहाँ पर रो में 2 यहाँ पर मेरा एक स्मॉल सा 9 और यहाँ पर मेरा 3 आएगा और रो में भी मेरा यहाँ पे 2 9 और यहाँ पर भी मेरा छोटा सा 3 आएगा ठीक है क्लियर है इसके बाद मैंने आपको बोला था कि पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है यहाँ से ये आपका यहाँ मैच करेगा इस पॉइंट से ठीक है उसके बाद बेटा आप लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करेंगे उसके बाद ये पॉइंट आपका यहाँ पर मैच करेगा उसके बाद आप यहाँ से यहाँ मैच करेंगे और फिर लास्ट में आप यहाँ से यहाँ मैच करेंगे क्लियर है आप लोगों को कि आपको पॉइंट से पॉइंट मिलाना है ऐसे डायगोनल बनाना है तो इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर रही हूँ जिससे आप आंसर अपने इजीली यहाँ से लिख पाए यहाँ से आपको आंसर मिलेंगे ठीक है तो यहाँ से पहले अपना फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपका रो में भी 2 है और कॉलम में भी है तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 0 4 तो 0 हमारा जाएगा ऊपर और 4 हमारा यहाँ नीचे ये हो गया पहला फिर मैंने 2 से 9 को लिया तो यहाँ पर पहला 1 एंड देन 8 18 तो 2 3 6 अगेन आपका पहला 0 आएगा और नीचे 6 जाएगा ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया है पहली रो हमारी फिर हम दूसरी रो पे आते हैं यहाँ पर 9 2 18 है तो 1 and 8 उसके बाद 9 9 81 that is 8 and 1 9 3 27 that is 2 and 7
नेक्स्ट इज थ्री, थर्ड रो विल बी 3 2 6, तो दैट इज 0 and 6, 3 9 27, दैट इज 2 and 7, 3 3 9, दैट इज 0 and 9. क्लियर है आपको? अब आपको जल्दी जल्दी इनको प्लस करना है इसी डायगनल में. यहाँ पर ऑलरेडी सिर्फ 9 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आपको 9 सिर्फ 9 लिखा है. यहाँ पे 7 7 14 है, तो 14 का क्या हुआ, यहाँ 14 बनता है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं 1 को और यहाँ पर क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं 4. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल क्या होता है, यहाँ पर एक 6 है, 2 है, 1 है, 2 है एंड 6 है, और एक आपका कैरी फॉरवर्ड है. जो कैरी फॉरवर्ड है उसके लिए मैं उस पर गोला लगा रही हूँ. इसका मतलब है कि जो उस पर गोला लगा है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है नीचे से. ठीक है, तो यहाँ से आप बात करेंगे, यहाँ पर 5 डिजिट है और एक कैरी फॉरवर्ड है, तो 6 + 2 = 8, 9 + 2 = 11, 11 + 6 = 17 और 1 + 18, तो 18 का आपने क्या किया, 8 लिखा और 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर फिर से कैरी फॉरवर्ड कर दिया. अब यहाँ पर क्या है, 5 डिजिट है लेकिन 2 जीरो है और 3 8 है, तो 8 + 8 + 8, तो 8 + 8 + 8 = 24 + 1 कैरी फॉरवर्ड 25. तो आपका 25 का क्या हुआ, 5 यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पर क्या हुआ, आपका कैरी फॉरवर्ड कर गया. तो यहाँ पर इस रो की बात, इस डायगनल की बात करते हैं, डायगनल एरिया की, तो यहाँ पर है 1 4 and 1, तो 1 + 4 + 1 and + 2, बिकॉज कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, तो 4 + 1 = 5, 6 + 7 = 8, तो यहाँ पर 8 आ गया है. नो कैरी फॉरवर्ड, इस डायगनल में हमने कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है. और यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर एक ही नंबर है और वो आपका है 0. तो अब यहाँ पे आप अपना नंबर देखते हैं, हमेशा ऊपर से नीचे नंबर लिखा जाता है, टॉप टू बॉटम. जब हम करना शुरू करते हैं तो हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, लेकिन जब आंसर आता है तो आप उसे टॉप से बॉटम की तरफ लिखते हैं. तो हमें सबसे पहला क्या मिला, यहाँ पर 0, उसके बाद दूसरे डायगनल से मिला 8, फिर मुझे मिला 5, उसके बाद अगेन 8, उसके बाद 4 एंड लास्ट 9. तो आपके पास नंबर आता है 85849, दैट इज कॉल्ड 85849 एंड दैट इज इक्वल टू आवर स्क्वायर ऑफ 293. तो ये बेटा आप लोगों को क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी आंसर निकाल पाएंगे. लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है. लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकेंड्स आप बहुत इजीली ये फाइंड कर पाएंगे. इससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की भी बहुत कम चांसेस रहेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे स्क्वायर का ही आगे थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट. तो आप उसको मिस मत करिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंच पाए. नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, थैंक यू, बाय बाय.